वैसे तो हल्क अकेले ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिनके अंदर हल्क के साथ कई दूसरे कैरेक्टर्स भी मर्ज हो चुके हैं, और उस वजह से हल्क के अंदर दो कैरेक्टर्स की पावर्स आ चुकी है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म से भी कई ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि कभी ना कभी हल्क के साथ मर्ज होकर एक तीसरे कैरेक्टर को ही क्रिएट कर चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वैसे अगर आपने अभी तक हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज और इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज नहीं देखी है तो आप इन्हें भी हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इमोर्टल हल्क सीरीज का लास्ट पार्ट आप सभी को कल के दिन ही देखने को मिल जाएगा, और आप सभी उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इस कॉमिक का लास्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्पाइडर हल्क। तो स्पाइडर हल्क के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये स्पाइडरमैन और हल्क का कंबाइन वर्जन है जो कि हल्क और स्पाइडरमैन के एक साथ बॉन्ड होने से क्रिएट हुआ था। ये हुआ था साल 2020 की इमोर्टल हल्क के एक स्पेशल इशू के अंदर, जहां पर जब लोकी अच्छा बन जाता है तब वो ब्रूस बैनर की मदद करने के लिए उसके अंदर से हल्क को बाहर निकाल देता है, लेकिन बाहर निकलकर हल्क सीधा स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हो जाता है जो कि ब्रूस के पास ही खड़ा होता है, और फिर हल्क और स्पाइडरमैन के एक साथ मर्ज होते ही वो बनते हैं स्पाइडर हल्क। ये स्पाइडर हल्क काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि के पास हल्क और स्पाइडरमैन दोनों की पावर्स होती है, और स्पाइडरमैन की पावर्स होने की वजह से ये वेब्स को भी शूट कर पाता है। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही फैंटास्टिक फोर की टीम सब कुछ ठीक कर देती है और हल्क को स्पाइडरमैन से अलग करके उसे फिर से ब्रूस बैनर के अंदर डाल देती है। नंबर 9, इन्फर्नल हल्क। तो इन्फर्नल हल्क हल्क और सिनिस्टर फोर्स का कंबाइन वर्जन है जो कि हल्क और सिनिस्टर फोर्स के एक साथ मर्ज होने से क्रिएट होता है। ये इन्फर्नल हल्क अर्थ 11638 से बिलोंग करता है, जिस यूनिवर्स के अंदर ब्रूस बैनर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही मैजिक और मिस्टिकल आर्ट सीखता है, और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह लेकर उस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम बनता है। लेकिन इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके अपने अंदर से हल्क को बाहर निकाल देता है और उसे हल्क के अंदर कैद कर देता है, लेकिन हल्क हल्क के अंदर सिनिस्टर फोर्स के साथ बॉन्ड हो जाता है जिसके बाद वो बनता इन्फर्नल हल्क। इसके बाद वो ब्रूस बैनर को मारने के लिए आता है, लेकिन ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन और डेडपूल के साथ मिलकर इन्फर्नल हल्क को रोक देता है। इन्फर्नल हल्क की पावर्स की बात करें तो ये हल्क भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास भी हल्क की सारी एबिलिटीज हैं। नंबर 8, विंटर हल्क। तो ये विंटर हल्क सबसे पहले दिखा था मार्वल एनिमेटेड सीरीज के एवेंजर्स असेंबल सीजन 3 के अंदर। ये विंटर हल्क असल में विंटर सोल्जर और हल्क का कंबाइन वर्जन है। एवेंजर्स असेंबल एनिमेटेड सीरीज के अंदर जब बकी बांस के ऊपर विंटर सोल्जर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब उसके बाद उसके अंदर गामा रेडिएशन को भी इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से विंटर सोल्जर के अंदर एक सुपर सोल्जर और हल्क दोनों की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो बनता है विंटर हल्क। विंटर हल्क काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि एक वक्त पर एवेंजर्स की पूरी टीम को अकेले संभाल चुका है। नंबर 7, हल्क पूल। तो हल्क पूल हल्क और डेडपूल का कंबाइन वर्जन है। ये हल्क पूल अर्थ 6001 से बिलोंग करता है, जहां पर डेडपूल के अंदर हल्क की पावर्स भी आ जाती हैं और वो बन जाता है हल्क पूल। ये हल्क पूल डेडपूल की तरह सनकी और हल्क की तरह बहुत गुस्से वाला है, और इसीलिए उस यूनिवर्स के अंदर हल्क पूल टाइम ट्रेवल करके अपने खुद के पास्ट वर्जन को ही जान से मार देता है। बात करें हल्क पूल की पावर्स की तो इसके पास हल्क और डेडपूल दोनों की पावर्स हैं, यानी कि हल्क का स्ट्रेंथ और डेडपूल का हीलिंग फैक्टर। नंबर 6, स्कल्क। तो स्कल्क मार्वल के हल्क और डीसी के सोलोमन ग्रैंडी के एक साथ बॉन्ड होने से क्रिएट होता है, और ये स्कल्क हमें नजर आया था मार्वल और डीसी के अमलगम यूनिवर्स के अंदर। अमलगम वो कॉमिक सीरीज है जिसमें मार्वल और डीसी अपने कैरेक्टर्स को मिलकर क्रिएट करते हैं, जिस वजह से इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स दो कैरेक्टर्स के मिलने से बनते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट, थानोस और डार्क साइड, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका, और बैटमैन और वुल्वरीन। ये सारे कैरेक्टर्स अमलगम यूनिवर्स के प्राइम एग्जांपल्स हैं, और इसी तरह से इस यूनिवर्स का हल्क डीसी के सोलोमन ग्रैंडी से मिलकर बनाए। वैसे अगर आप सोलोमन ग्रैंडी को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये सोलोमन ग्रैंडी डीसी यूनिवर्स के अंदर हल्क जैसे कैरेक्टर है। इस यूनिवर्स का ब्रूस बैनर जब गामा रेडिएशन पर स्टडी कर रहा होता है तब उसी वक्त वहाँ पर सोलोमन ग्रैंडी आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर गामा रेडिएशन की वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ब्रूस बैनर और सोलोमन ग्रैंडी दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, और फिर क्रिएशन होता है स्कल्क का। बात करें इसकी पावर्स की तो स्कल्क के अंदर हल्क और सोलोमन ग्रैंडी दोनों की पावर्स हैं। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका हल्क। तो कैप्टन अमेरिका हल्क मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही कम टाइम के लिए अपीयर हुआ है, और इसी वजह से ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, पर हमने हल्क के इस फॉर्म को कैप्टन अमेरिका हल्क नाम दिया है क्योंकि ये हल्क और कैप्टन अमेरिका का कंबाइंड वर्जन है। ये होता है मार्वल कॉमिक्स की एवेंजर्स डिफेंडर्स के इशू 4 के अंदर, जहां पर हल्क और कैप्टन अमेरिका दोनों आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, और फिर उन दोनों के मर्ज होने की वजह से वो बिल्कुल ही एक नया कैरेक्टर बन जाता है। कैप्टन अमेरिका हल्क के पास हल्क जैसा फिजिकल स्ट्रेंथ होता है और कैप्टन जैसी लीडरशिप स्किल्स होती है। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी यूज करता है।
नंबर 4 वेनम हल्क। तो वेनम हल्क वेनम और हल्क का कंबाइंड वर्जन है जो कि आपस में बॉन्ड होकर वेनम हल्क बन जाते हैं। वेनम हल्क को वेनमाइज्ड हल्क भी कहा जाता है और ये हमें दिखा था साल 2019 में आई एब्सोल्यूट कार्नेज के इशू 3 के अंदर, क्योंकि उस कॉमिक सीरीज के अंदर जब वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक के साथ मिलकर कार्नेज को नहीं हरा पाता तब वो एडी ब्रॉक को छोड़कर सीधा ब्रूस बैनर के साथ बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद जैसे ही ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही वो बनता है वेनम हल्क, या यूं कहें वेनमाइज्ड हल्क। वेनम हल्क की पावर्स की बात करें तो इसके पास हल्क की पावर्स के साथ साथ वेनम की भी पावर्स हैं, इसीलिए हल्क का ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3 हल्क वरीन। तो हल्क वरीन हल्क और वुल्वरीन का हाइब्रिड वर्जन है जिसके पास हल्क की स्ट्रेंथ और वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉज होते हैं। मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर डॉक्टर आल्बा नाम के एक साइंटिस्ट वेपन एच प्रोग्राम चलाती है, जिसके अंदर वो और उसके साथी मिलकर क्लेटन कॉर्टेज नाम के एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर हल्क और वुल्वरीन दोनों का ही डीएनए डाल देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आल्बा का वेपन एच एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो जाता है और क्लेटन कॉर्टेज हल्क वरीन बन जाता है, यानी कि हल्क और वुल्वरीन का कंबाइंड वर्जन। बात करें हल्क वरीन की पावर्स की तो इसके पास हल्क जितना स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसके पास वुल्वरीन का फास्ट हीलिंग फैक्टर और उसके जैसे एडमेंटियम क्लॉज भी हैं। इनके अलावा क्योंकि क्लेटन कॉर्टेज मार्शल आर्ट्स भी जानता था, इसीलिए हल्क वरीन भी कुंफू और मार्शल आर्ट्स में फाइट कर सकता है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हल्क वरीन को मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना गया है। नंबर 2 थॉर हल्क। तो थॉर हल्क सुनकर आप सभी को सिंपली ये समझ आ गया होगा कि ये कैरेक्टर हल्क और थॉर का कंबाइंड वर्जन है। ये तब होता है जब मार्वल कॉमिक्स के हल्क इश्यू 8 के अंदर हल्क और थॉर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी फाइट के बीच ही हल्क की बॉडी से एक एक्सप्लोजन होता है जिससे एक गामा रेडिएशन निकलकर थॉर के अंदर चली जाती है और फिर उस वजह से थॉर हल्क बन जाता है, जिसके बाद वो कहलाता है थॉर हल्क। बात करें थॉर हल्क की पावर्स की तो एज ऑफ कोर्स इसके पास थॉर और हल्क दोनों की पावर्स होती है, लेकिन इसी इवेंट के अंदर जब ओडिन थॉर को इस हालत में देखते हैं तब वो थॉर के पास आकर अपने मैजिक को यूज करके उसे पहले जैसा कर देते हैं, जिस वजह से थॉर हल्क हमें ज्यादा वक्त के लिए नहीं दिखता। नंबर 1 कैप्टन यूनिवर्स हल्क। तो कैप्टन यूनिवर्स हल्क, जिसे ब्लू हल्क भी कहा जाता है, मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल हल्क है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 99062 नाम के यूनिवर्स के अंदर हल्क के साथ यूनी पावर बॉन्ड हो जाती है, जिसके बाद वो हल्क कैप्टन यूनिवर्स बन जाता है और कहलाता है कैप्टन यूनिवर्स हल्क। ये यूनी पावर एक पावरफुल कॉस्मिक फोर्स है जो कि यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए अपने लिए एक काबिल होस्ट को ढूंढती है, और जब उसे वो मिल जाता है तब वो उसके साथ बॉन्ड होकर उसे कैप्टन यूनिवर्स बना देती है, और ऐसे ही जब यूनी पावर हल्क के साथ बॉन्ड होकर उसे कैप्टन यूनिवर्स बनाती है तब उसकी फिजिकल पावर्स पहले से भी कई ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही उसके अंदर कुछ कॉस्मिक पावर्स भी आ जाती है, जैसे कि टाइम को आगे या पीछे करना, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना और रियलिटी को मैनिपुलेट करना। तो यही मार्वल यूनिवर्स के 10 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि हल्क के साथ मर्ज होने के बाद क्रिएट हुए हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज और इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज नहीं देखी है तो आप उन्हें अभी के अभी हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको और भी कई कमाल की वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क, शी हल्क वर्सेस हल्क, और आखिर में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, इमोर्टल हल्क और स्पेस पनिशर हल्क का बैटल कंपैरिजन। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो आप इन सारी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।